मैं समझता हूँ कि कौर सिंह एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, राजनीति पर बात करें तो उचित रहेगा, और व्यक्तिगत टिप्पणी अगर इस प्रकार से करते रहेंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणी करते में उनको परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी लोग टिप्पणियाँ करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि चुनाव बूथों पर लड़ा जाए, और कंगना जी उनके लिए बेटी की सम्मान है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए, और चुनाव का परिणाम जो होगा उसको देखेंगे, लेकिन मुद्दों पर बात करके चुनाव लड़ना चाहिए, यही मेरा सुझाव। जहां हिमाचल प्रदेश की सरकार सुक्की सरकार सुक्कू जी के नेतृत्व में बनी है 15 महीने से, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में किसी एक व्यक्ति को भी सुख की अनुभूति हुई होगी, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं सुक्कू जी को खुद ही सुख की अनुभूति हो ही नहीं। खज्जल है बेचारा, ये चला गया वो चला गया है, ये गया वो गया, पकड़ो 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 करके लगे हुए। बड़ा बहुमत आपके पास हिमाचल प्रदेश में था, और बहुमत होने के बावजूद आप हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट का चुनाव है, जिसमें आपकी आपकी संख्या 43 थी और हमारी 25 थी, और हमसे पूछते थे कांग्रेस के नेता कैसे होगा भाई, कैसे होगा, हम तो 43 है आप 25 है। हमने कहा हम नहीं बताते हैं पहले भाई। और जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना गया तब हमने बताया ऐसे होता है। अब जब हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार तो चले गई है, वो कैसे चले गई, कैसे चले गई है, अरे सरकार कहां है, किस बात की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, जिस सरकार में बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार गई, जिस सरकार में बहुमत होने के बावजूद बजट को पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को 100 कमांडो बुला करके उठा करके सड़क में फेंक दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हो, सरकार है क्या।